हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, आज हम आपके साथ शेफ संजीव जी के साथ मखाने भूनना सिखाएंगे कि मखाने किस तरह से भुने जाते हैं, मखाने बनाने के लिए भुनने के लिए क्या क्या सामग्री ली हुई है। देसी घी लिया हुआ है, थोड़ी सी हल्दी ली हुई है, थोड़ा सा नमक लिया है उन्होंने, चाट मसाला इस ऑप्शनल है, इसको बाद में डालना। ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। यही इन्होंने मखाने लिए हुए है, ये रसगुल्ला कंपनी के है, बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप जिस कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बताएंगे हमारे को किस तरह से मखाने भुने जाते हैं। कढ़ाई गर्म कर दी है, अब इन्होंने इसमें देसी घी डाल दिया है। अभी हमारे को आज पूरे अच्छी तरह से समझाएंगे कि मखाने किस तरह से फ्राई किए जाते हैं। ये किचन के शेफ़ है, ये काफ़ी जानकारी है इनको इस चीज़ के बारे में, इनको 8-10 साल का अनुभव है। ये देखिए, अब इन्होंने भूनना शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे। दोस्तों, जब भी आप पकाए तो इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना, आंच बहुत धीमी की हुई है इन्होंने। आप जब भी मखाने फ्राई करते हैं आंच बहुत कम रखनी है आपने, अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो आपके मखाने जल सकते हैं, इसीलिए आप इसको धीमी आँच में पकाए। आपको पता है मखाने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब ये इसमें हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी आप अपने इच्छा अनुसार डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, इन्होंने हल्दी डाल दी है इसमें। अब इसका जो रंग है धीरे धीरे ये पीला हो रहा है, और देसी घी के बीच इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसको आप कम से कम धीमी आँच में 10 से 15 मिनट तक पकाए। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आपकी आंच तेज़ हो जाएगी तो मखाने आपके जल जाएंगे। आंच हमारी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए और 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे मखाने भून के तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे मखाने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ये इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक को आपने, जब आपके मखाने भून के तैयार हो जाएंगे, आपने आखिर में इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड करना, इससे आपका स्वाद और ज़्यादा अच्छा लगेगा नमक डालने से। हमारा मखाना बनाने का प्रोसेस था गाइस, वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे मखाने भून के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये चाट मसाला है, ये भी ऑप्शनल है, हमने MDH का लिया है। स्वाद के लिए आप हल्का सा इसको बाद में ऐड कर सकते हैं, पहले आपने इसको ठंडा होने देना अच्छी तरह से, उसके बाद आप इसमें हल्का सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। हम संजीव जी से जानेंगे। भैया, कहाँ से हो आप? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपको कितना टाइम हो गया जी किचन में काम करते हुए? अच्छा, तो काफ़ी अनुभव है आपको किचन लाइन के बारे में। चलो ठीक है भैया, आज के वीडियो में आपने जो हमारी हेल्प की उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई के लिए एक लाइक जरूर करना। इन्होंने हमारे को सिखाया कि मखाने किस तरह से फ्राई किए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।